अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। विभो कितना टाइम लगता है कॉफी बनाने में? एक भाई चार्ज को लूजीज हो रहे हैं यार, पूरे बॉडी का पानी सूख गया है इनका, तो मैं इनके लिए पतली दलिया बना रहा था ताकि इनकी बॉडी को पानी मिल जाए और फिर पोषण भी। तो चाचा जी के पानी और पोषण के आगे मेरी कोई अहमियत नहीं है? कैसी बातें कर रही तू? ऐसी बात नहीं है यार। Of course, चाचा जी के शरीर से तुम्हें पानी बहता हुआ दिखता है, लेकिन मैं इस घर को चलाने के लिए अपना पसीना जो पानी की तरह बहाती हूँ वो तुम्हें दिखाई नहीं देता है। अरे बहू देख, क्या है ना, आज ही थोड़ा सा टाइम का ऊपर नीचे हो गया, लेकिन कल से सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा चाचा जी, कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस घर में मेरी तो कोई अहमियत है ही नहीं, कि सारी अहमियत तो आपने लूट रखी है ना। तुम चाय से ऐसी बात नहीं कर सकती बेबी, ये हमारे बुजुर्ग हैं, हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इस टॉपिक पे मैं कोई डिस्कशन नहीं करना चाहती हूँ बेबू, और सोल्यूशन मैंने निकाल लिया है। चाचा जी आज के बाद इस घर में चाय कॉफी की जिम्मेदारी आप उठाएंगे। अरे लेकिन बहू जब खचेड़ू बना रहा है तो तू मेरे पीछे क्यों पड़ी है कि मैं बनाऊं? क्योंकि आपका खचेड़ू कोई भी काम सही वक्त पे सही इंसान को अहमियत दिए बिना कर रहा है, और मुझे मेरे वक्त और अहमियत दोनों की परवाह है, इसलिए अब से मेरे लिए कॉफी आप बनाएंगे। और अगर ना बनाऊं तो फिर आप कहीं और एडजस्ट हो जाइए, क्योंकि मेरे घर में मुझे मेरे साथ कोऑपरेट करने वाले लोग चाहिए, मेरा हाथ बटा सके वो लोग, ना कि मुफ्त में मरीदा ठूंसते रहे। मतलब तू ये कहना चाहती है कि मैं ये घर छोड़कर चला जाऊं? रीड माई लिप्स। गेट लॉस्ट बोल रही है आपको। ठीक है बहू, अगर तू चाहती है तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन जैसा कि तूने डिमांड की थी ना मुझसे कि मैं अपने हाथों से तुझे कॉफी बनाकर पिलाऊं, तो मैं वो कॉफी तुझे पिला के ही जाऊंगा। चाच यस, बोल बोल बोल, देख तू अपने दिल की बात बोल दे आज, बोल बोल बोल। चाच एक कॉफी मेरे लिए भी। आपके दादाजी का नाम बंटी तिवारी था ना? जी हाँ जी हाँ, बंटी तिवारी जी हाँ। तो ये गाड़ी उन्हीं की है। लेकिन हमारे दादाजी तो ये गाड़ी से बहुत प्यार किया करते हैं, हमें क्यों दे रहे हैं? प्यार करते थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। हाय दिया। अरे नहीं। अरे अरे दादाजी, आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते दादाजी, क्या हो गया? हाय दिया दादाजी, हम भी दादाजी से एक तो ही टेम मिले रहे लड्डू के भैया, हमारी शादी के टेम। अरे हम भी तो उसी टाइम मिले थे पगली। तुम्हें याद है दादाजी इसी गाड़ी में बैठ के आए थे, और इसी गाड़ी में हम तुम्हें दुल्हन बना के लेके आए थे। हाँ लड्डू की भैया, हमको याद आ रहा है वो सब, हम ही गाड़ी में ही बैठे रहे, बहुत ही पुराना बात है ये तो। लेकिन चाहे जो भी हो, चाहे नया गाड़ी या पुराना, लेकिन दादाजी का आखिरी निशानी है ही, आप ही को स्वीकार कर लीजिए बस। सुनिए, ये गाड़ी देकर गए कुछ जमीन जायदाद वगैरह और कुछ नहीं? तिवारी आपको तो पता ही होगा आपके दादाजी कितने बड़े शराबी, जुआरी, अयाशी थे, सारी जमीन जायदाद अयाशी में घुस गई। ये देखिए कार बची थी, और उन्होंने अपने वसीयत में लिखा था कि गाड़ी मैं आप तक पहुंचा दूं। ये गाड़ी नहीं है। आज से हम इस गाड़ी को दादाजी कह के बुलाएंगे। पगली तुम भी इस गाड़ी को दादाजी ही कहना। ठीक बा, अपन नाम करे दादाजी। आई लव यू दादाजी। अगर दादाजी और पोते का प्यार हो गया हो तो मुझे मेरी फीस दे दीजिए। वो क्या है कि आपके दादाजी बिना फीस दिए ही निकल लिए। हम अभी लाते हैं, रुकिए। अरे रुको रुको, फीस हमसे काहे मांग रहे हैं, दादाजी से लीजिए। ऊपर से देखिए तिवारी जी, आपके दादाजी ने वसीयत में ये लिख कर गए थे कि तुम्हारी फीस मेरा पोता मनमोहन तिवारी देगा। कितनी फीस हो गई? कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 रुपए। हाउ इज दिस पॉसिबल? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, बिना एस्प्रेसो मशीन के
इतनी फैंटास्टिक कॉफी आप कैसे बना सकते हैं? कैसे? यार इसका क्या मतलब है कि कैसे बना सकते हैं? अरे अपने हाथों से बना सकते हैं और क्या। मैंने कहता था कि चार्ज के अंदर एक खुफिया खानसामा छुपा हुआ है। तुमने ये बात मुझे कभी नहीं बताई है, इसलिए खामखा क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। वो तो संजोग से मैंने कॉफी का सिप ले लिया, तब जाकर मुझे पता चला कि चाचा जी इतनी इतनी शानदार कॉफी बनाते हैं। वो क्या है कि ये हमारे बुजुर्गों की लेगेसी है। मतलब? मतलब ये है कि चाचा के जो बुजुर्ग थे ना, वो लखनवी नवाबों के यहाँ कॉफी भी बनाया करते थे। कॉफी भी बनाया करते थे मतलब? मतलब बेसिकली तो वो उनका मूड बनाया करते थे, लेकिन कभी कभी कॉफी भी बनाया करते थे। ठीक है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मुझे 100 बातों की एक बात, कॉफी बहुत अच्छी बनाते हैं चाचा जी। अरे ये कुछ भी नहीं बहू, अगर मुझे तू एस्प्रेसो मशीन लाके दे ना तो मैं धुआं काट दूं, सच बता रहा हूँ। अरे मैंने लंदन में अंग्रेजों को कॉफी पिला पिला के उनके धुएं काटे हैं। हाँ तो अब आप कानपुर में लोगों को कॉफी पिला पिला के उनके धुएं काटिए। गुड आइडिया। विभू या तुम होटल खोलना चाहते थे ना? या होटल की जगह कॉफी शॉप खोलो। मारा बैड आईडिया। डेविड्स धुआं काटू कैफे। वाओ, व्हाट अ नेम, व्हाट अ नेम, व्हाट अ नेम या। नो एनी टाइम कॉफी शॉप, अनीता का एनी, नॉट ए एन वाई एनी बट ए एन एन आई ई। मतलब घी कहाँ गया खिचड़ी में। मैं कहने का मतलब ये कि हमें पैसों की भी जरूरत पड़ेगी ना बेबी, वी नीड मनी फॉर इट। हाँ तो फिर लोन ले लो। अरे तुम्हारा वो दोस्त ना प्रेम, जिसके पास बहुत पैसे हैं, उससे उधार ले लो। अगर प्रेम उधार नहीं देता है तो फिर चोरी करो, डाका डालो या किडनैपिंग कर लो, चाहे जो करो, मुझे कैफे खोलना है। एनी टाइम कैफे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।